जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानु बाहु बनकर आए विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाई ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, तुमसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। वारकमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञान आश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से मड़पन, दीक्षित जोग बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए मुस्लिम हिंदू हो गए। ये है अग्नि पारसी की, ये है द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साईं बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ
का दर्शन दिया दास गणु महाराज को, सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाश पति शिव को देखा साईश्वर में मेघाने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए, धीरज विश्वास प्रेम से सपने उसकी रक्षा की, एक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साई नाथ, जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे, लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए, विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने, प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, आवो हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित एम बी रेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए, ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बन कर आए काशीनाथ उपासनी, बाबा निरोग कर दिए उपासनी महाराज बन गए, प्रेमी भयभीत हो उठे जब ऐसा आया शिरडी में, दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को, ऐसे बा
जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव भूटी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटीवाड़ा बनाए। ये है स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे, जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सच मुझ सो गए दुनिया।